नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम दुर्गा माँ के सातवें रूप यानी कि माँ कालरात्रि के बारे में बात करेंगे। दुर्गा माँ के सातवां रूप माँ कालरात्रि का होता है और नवरात्रों के सातवें दिन महाशक्ति माँ दुर्गा के सातवें स्वरूप कालरात्रि की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि माँ कालरात्रि की पूजा करने से काल का नाश होता है, इसी वजह से माँ के इस रूप को कालरात्रि कहा जाता है। असुरों के राजा रक्तबीज का वध करने के लिए देवी दुर्गा ने अपने तेज से इसी रूप को उत्पन्न किया था। इनकी पूजा शुभ फलदायी होने के कारण इन्हें शुभंकारी भी कहा जाता है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रार चक में स्थित रहता है। इसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली होती है। इसी कारण इनका एक नाम शुभंकारी भी है। देवी कालरात्रि का शरीर रात के अंधकार की तरह काला है। इनके बाल बिखरे हुए हैं और इनके गले में विद्युत की माला है। इनके चार हाथ हैं, जिसमें इन्होंने एक हाथ में कटार, एक हाथ में लोहे का कांटा धारण किया हुआ है। इनके अलावा इनके दो हाथ वर मुद्रा और अभय मुद्रा में हैं। इनके तीन नेत्र हैं और इनके श्वास से अग्नि निकलती है। कालरात्रि का वाहन गर्दभ यानी कि गधा है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में बहुत ही भयानक है। इनका वर्ण अंधकार की भांति है, बाल बिखरे हुए हैं, कंठ में विद्युत की चमक वाली माला धारण किए हुए हैं। माँ कालरात्रि के तीन बड़े बड़े नेत्र हैं जो ब्रह्मांड की तरह विशाल व गोल हैं, जिनमें से बिजली की भांति किरणें निकलती रहती हैं। इस दिन साधक को पूरे दिन का उपवास करने के बाद माता को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। इसी भोग की एक थाली भोजन सहित ब्राह्मण को दान दक्षिणा देनी चाहिए। इस प्रकार माता की पूजा करने से व्यक्ति पर आने वाले रोग शोक से मुक्ति मिलती है। वह उपवासक पर आकस्मिक रूप से आने वाले संकट भी कम हो जाते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कालरात्रि आपके सभी संकट दूर करें और उनका आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे, ऐसी हम माँ कालरात्रि से प्रार्थना करते हैं। जय माता दी।